सोलन में 26 मार्च को राजगढ़ रोड पर हुई गोलीकांड से आखिर पुलिस ने पर्दा उठाना शुरू कर दिया है और पहली कड़ी में उन्होंने उन आरोपियों को धर दबोचा है जिन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया था। ये जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। फिलहाल पुलिस ने अभी अपने सभी पत्ते मीडिया के सामने नहीं खोले हैं और केवल ये बताया है कि इस घटना में आरोपी ऑटो में बैठकर राजगढ़ रोड पर सुबह आ गए थे और शाम तक वह रैकी करते रहे और उसके बाद उन्होंने इस घटना को 8:30 बजे अंजाम दिया और ऑटो पर ही बैठकर वापस बाईपास तक गए और बस में बैठकर यहां से भागने में कामयाब हो गए थे। पुलिस अभी यह खुलासा नहीं कर पाई है कि आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के लिए सोलन क्यों आए और किसके कहने पर आए हैं और यहां के व्यापारी को उन्होंने अपना निशाना क्यों बनाया। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि उनके हाथ कुछ पुख्ता सबूत लगे हैं जिसके आधार पर वह जल्द ही इस कहानी का पर्दाफाश कर देंगे। जिला पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने बताया कि उनके पास सबसे अहम सुराग सीसीटीवी फुटेज में आए आरोपियों के चेहरे थे क्योंकि जैसे ही आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनके फोटो को कुछ ही देर में पड़ोसी राज्यों की पुलिस को भेज दिया गया था जिस पर उन्हें पड़ोसी राज्यों की पुलिस से बेहद सहायता मिली जिसकी सहायता से सोलन पुलिस टीम SI दिलीप सिंह के नेतृत्व में आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उन्होंने कहा कि जिसने गोली चलाई थी वह अमित है और जो रामपुरा मोहल्ला हिसार का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी बलराज बांदला हांसी का रहने वाला है। दोनों ही हिस्ट्री शूटर हैं और आपराधिक छवि के हैं। इन दोनों ने सोलन के व्यवसायी को किसके कहने पर टारगेट बनाया और इस वारदात के पीछे उनका क्या उद्देश्य था इस बारे में जांच की जा रही है। सोलन में एक व्यवसायी के घर जिसमें कंप्लेनेंट श्री अमित अग्रवाल थे उनके घर में फायर ओपन हुआ तो तुरंत पुलिस की टीम्स वहां पहुंची हैं। एक इम्पोर्टेंट पहलू उसमें निकल के आया कि कुछ सीसीटीवी फुटेज हमारे पास अवेलेबल थे। तुरंत 3 टीम्स इस पे काम कर रही थी और बैकएंड में टेक्निकल टीम भी काम कर रही थी। आज हमारी टीम को इसमें कामयाबी मिली जो हरियाणा में ऑपरेशनल थी विद द हेल्प ऑफ हरियाणा पुलिस। हम जो दो लड़के सीसीटीवी में फायर करते नजर आ रहे हैं उनको नैप करने में हम कामयाब रहे हैं। आज उनको अरेस्ट किया गया है और उनको अब हम माननीय न्यायालय के सामने पेश कर रहे हैं। जो लड़के बताए जा रहे हैं उसमें से एक श्री अमित कुमार और दूसरे मोनू हैं। क्या उद्देश्य था, क्या लाइन ऑफ एक्शन था और क्या सारा सेटअप था इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में मुद्दा है। दैट इज टू बी असेस्ड। इनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है क्रिमिनल हिस्ट्री है और कहीं किसी के साथ ऑपरेशनल तो नहीं है वो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इनको शामिल तफ्तीश किया गया था हरियाणा से और आज इनको हमने सोलन में गिरफ्तार किया। एक की तकरीबन 28 बताई जा रही है और एक की तकरीबन 18-19 के आसपास बताई जा रही है। दैट इज बीइंग वेरीफाइड। आपको बता दें कि जिस व्यवसायी के घर पर यह घटना घटी उसने पहले भी अपनी फर्जी किडनैपिंग का स्वांग रचा था जिसका झूठा आरोप उसने अपने ही रिश्तेदार पर लगाया था जिसमें ये व्यवसायी और उसका बेटा जमानत पर चल रहा था। वहीं पुलिस इस घटना पर सभी पहलुओं के साथ साथ ये भी जांच कर रही है कि कहीं फिर से आरोपी ने अपने ऊपर यह मामला तो नहीं करवाया है। घटना के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं लेकिन इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन है इसका खुलासा होना बाकी है जिसका दहशत में पड़ी सोलन की जनता भी जानना चाहती है।